Hey guys, welcome to my channel Mama's Kitchen. Hope you are fine and doing well. आज हम बना रहे हैं ओट्स से मुठिया, जो बहुत ही हेल्दी है और न्यूट्रिशन से भरपूर है. So without any delay, just let's begin the video. सबसे पहले ओट्स को हमें एक पैन में इस तरह ड्राई रोस्ट कर लेना है. 3 से 4 मिनट आप ओट्स को ड्राई रोस्ट कीजिए और थोड़े बहुत गर्म हो जाए फिर उसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए और मिक्सर में मोटा पीस लीजिए. यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप जितना ओट्स पाउडर और ऊपर मैं 1/4 कप जितनी सूजी डाल रही हूँ. आपके घर में जो भी सूजी है वो आप डाल दीजिए, मोटी है तो मोटी डालिए और बारीक वाली है तो बारीक डाल दीजिए. ये देखिए अभी 1 कप जितना टोटल हमारा ओट्स और सूजी का प्रपोर्शन हो गया है, 3/4 कप ओट्स पाउडर और 1/4 कप सूजी. अच्छे से हमें उसे मिक्स कर देना है. ओट्स और सूजी को ठीक से हमें हमारे फिंगर टिप से मिक्स करना है और इस तरह बीच में जगह बना के हम उसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का गाजर ग्रेट किया हुआ या ऑलमोस्ट 1/2 कप जितना गाजर ग्रेट किया हुआ, 1/2 कप जितनी पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 1/2 कप जितनी धनिया पत्ती जिसे मैंने बारीक काट के धो लिया है. फिर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और सारी सब्जियों और नमक को ठीक से मिक्स करेंगे ताकि जो सब्जियों से पानी निकले वही हम मुठिया बनाने में यूज करें. फिर हम उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून जितना दही. दही मैंने यहाँ घर का लिया है और वो ज्यादा खट्टा नहीं है. 1 टीस्पून जितनी अदरक मिर्ची की पेस्ट. अदरक मिर्ची की पेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. और उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर. यहाँ पे मैंने नियरली 1.5 चम्मच जितनी शक्कर डाली है और शक्कर मैंने मोटी वाली ही यूज की है. ये शक्कर जब पिघल जाएंगी तब मुठिया में थोड़े से एयर पॉकेट्स बन जाएंगे तो ये घुल भी जाएंगी और थोड़े एयर पॉकेट्स भी बनेंगे तो मुठिया सॉफ्ट बन जाएगा. ओट्स का नेचर थोड़ा स्टिकी होता है तो मुठिया को और सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे घर का मीठा सोडा या इनो. आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने सोडा लिया है तो आप लेंगे उसे 1/4 टीस्पून और अगर आप इनो डाल रहे हैं तो आप डालिए 1 टीस्पून. लेकिन आप इसे एक को तो ज़रूर यूज़ कीजिए, दोनों में से एक यूज़ करने से ही मुठिया सॉफ्ट और जालीदार बनेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मुठिया का मिक्सचर थोड़ा ढीला हो गया है तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून जितनी सूजी जिससे मेरा मुठिया मिक्सचर एकदम अच्छा हो जाएगा, जिससे कि मैं मुठिया को ठीक से शेप कर सकूँ. मुठिया अच्छे से शेप करके मैंने उसे इस तरह एक जाली वाली प्लेट में, तेल लगाई हुई जाली वाली प्लेट पे रख दिया है. मैंने मुठिया के मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और एक एक पार्ट को मैंने इस तरह लंबा और सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है और इसे जाली वाली प्लेट पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने रख दिया है. मैंने अपने मुठिया स्टीमर को पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैं ये मुठिया वाली प्लेट को मेरे मुठिया के स्टीमर में रख दूंगी. आप अपने घर में जो भी स्टीमर यूज करते हैं आप वही यूज कीजिए. ये स्टीमर को मैंने पहले ही गर्म रख दिया था और मुठिया को मैंने 20 मिनट के लिए स्टीम किया है. ये देखिए मेरे मुठिया बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बने हैं. आपको दिख रही है जाली, ये सॉफ्ट भी उतने बने हैं. और अगर गाइस आपने नोटिस नहीं किया तो मैंने अब तक इसमें एक ड्रॉप भी तेल नहीं यूज किया है, ये टोटली ऑप्शनल है. अगर आपको चाहिए तो आप इसमें तड़का डालिए वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे बहुत ही कम तेल में उसे तड़का दे रही हूँ. मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जितना तेल और तेल गर्म होने पर मैं उसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जितनी राई. राई चटकने पर मैं उसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जितना जीरा, 2 पिंच जितनी हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और जब
अच्छे से तड़का पक जाए और गैस बंद करना हो तब मैं ऊपर से उसमें डाल दूंगी थोड़े से सफेद वाले तिल। फिर गैस बंद करके मैं उसमें डालूंगी 1 से 2 चम्मच जितना पानी। ध्यान रहे आप पानी गैस बंद करके ही डालिए। पानी डालने से मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, वो जरा भी ड्राई नहीं लगेंगे और मुंह में चिपकेंगे भी नहीं। और ऊपर मैं यहाँ से धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। सो गाइज, अपने मुठिया एकदम रेडी है। आप इसे एक टिफिन स्नैक में यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ये परफेक्ट है, और अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो ये अचार के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ भी एकदम फिलिंग है और ट्रैवलिंग में कैरी करने के लिए भी बहुत इजी है। सो गाइज, मामास किचन की ये रेसिपी विच इज़ मेड विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव आपको अच्छी लगी है तो आप इसे बनाइए और अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मामास किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग रेसिपी। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।